बेमेतरा जिले के सहकारी समितियों में झाइम खाद की अवैध बिक्री पर तुरंत रोक लगाने को लेकर क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में जिला कृषि अधिकारी महादेव मानकर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने अधिकारी को बताया कि समितियों को जबरन झाइम खाद थमाई जा रही है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला कृषि अधिकारी को बताया कि नोडल कार्यालय जिला सहकारी बैंक बेमेतरा से झाइम खाद की बिक्री को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, बावजूद समितियों के कर्मचारी मनमानी पर उतारू है और नियमों के ताक पर रखकर किसानों को झाइम खाद खरीदने को मजबूर कर रहे हैं। लगातार शिकायत के बावजूद ठोस कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्र के किसानों में अच्छी खासी नाराजगी है। किसान नेता ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से सिर्फ जब्ती की कार्यवाही कर खाना पूर्ति की जा रही है, जिम्मेदार कर्मियों पर अब तक विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है। इससे स्पष्ट है कि इस पूरे कृत्य में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी उच्च स्तर से संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कार्रवाई को लेकर उच्च अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज के लिए बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। किसानों की समस्या को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ बहुत सारे सोसाइटी में अनामत खाद जब्ती किया जा रहा है, जिसमें झाइम है। जो खाद किसान अगर डालते हैं तो उसका किसी प्रकार कोई असर नहीं होता, ऐसे बीज के बेचा जाता है सोसाइटियों में, ऐसे खाद दिए जाते हैं, ऐसे दवाइयां दी जाती किसानों को, जबरदस्ती लेने के लिए दबाव बनाया जाता सोसाइटी के द्वारा। तो ऐसे खादों को जब्ती इन लोगों ने बनाया और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है कि सोसाइटियों में ऐसा अनामत खाद पहुंचा कहां से, किस अधिकारी का मिली भगत है और क्यों अधिक किसानों को दबाव डाला जाता है कि कंपोस्ट खाद इतना लेना जरूरी है, झाइम लेना जरूरी है, जो ऐसे दवाइयां हैं जिसका कोई असर नहीं होता, ऐसे कीटनाशक लेना जरूरी है, बीज लेना जरूरी है, उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और किसानों को किसी प्रकार का दबाव ना हो। और सोसाइटियों में आज डीएपी नहीं है, आज पोटास नहीं है, यूरिया नहीं है, खेती किसानी का समय आ रहा है। आज 15 जून के बाद बारिश होने वाला है, उसके बाद किसान खेती किसानी में जुड़ जाएगा, उनको खाद नहीं मिल रहा है। ये सभी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग किया है। देने का सिलसिला हम लोग अधिकारी बोल बोल के हम लोग थक गए हैं। अगर नहीं मानेंगे कार्रवाई करेंगे, हम लोग खुद घेराव करेंगे आके सब किसानों को लेकर हजारों संख्या में। कोरोना काल है करके हम लोग अभी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लेके आते हैं, लेकिन अगर ये अधिकारी को अगर समझ में नहीं आएगा तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे बहुत जल्द।